का स्वागत है। नगर निकाय चुनावों को लेकर अब इंतजार बहुत कम रह गया है, लेकिन इससे पहले जो इंतजार किया जाता है, जनता को जिसका इंतजार रहता है, वो होते हैं चुनावी घोषणा पत्र। क्या कुछ चुनावी घोषणा पत्रों में जिक्र किया जाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका उसमें जिक्र किया गया है, कौन से ऐसे मुद्दे जो छूट चुके हैं, इन सब को लेकर नजर बनी रहती है जनता की। और राजनीतिक दल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी मुद्दा छूटे नहीं, विकास की नई गाथा वो इसमें लिखें। लेकिन इस बार कुछ नया भी हुआ है। इस बार कांग्रेस ने जारी किया है संकल्प पत्र और बीजेपी ने जारी किया है ब्लैक पेपर। बात करेंगे इसी खास मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले एक मजमून हम देख लेते हैं कि ब्लैक पेपर बनाम संकल्प पत्र का क्या पूरा मामला चल रहा है, और ऐसे में जनता अपना किस तरह से वोट का निर्धारण करने के लिए मुद्दे तलाशती है। पहले मजमून देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में निगम चुनाव का शोर बढ़ गया है। हर तरफ वादों का शोर है तो बड़े नेताओं के भाषण का जोर भी है। भाजपा खेमे में केंद्रीय मंत्री चुनावी मुहिम में बागडोर संभाले हुए हैं, तो उधर कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को चुनावी रण में जिम्मेदारी दी है। लेकिन इस बीच निगम चुनाव में भी घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस ने जनता के मन पर छाप छोड़ने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने जयपुर, कोटा और जोधपुर के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं। जयपुर में जारी संकल्प पत्र में कांग्रेस ने जनता से 41 वादे किए हैं, जिसमें प्रशासन, शहर के संग अभियान, पट्टे, शिवरेज, सड़कें बनाने सहित कई बिंदुओं को स्थान दिया गया है। बीजेपी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। यदि कोई बीजेपी का नेता ये कहता है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेट और केंद्र के अपने संबंध है, लेकिन अधिकतर योजना ऐसी है जिसमें स्टेट को पैसे का भार उठाना पड़ता है। मैं इतना कह सकता हूं कि इस वक्त नगर निगम के चुनाव है और राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, कोटा की जनता पर हमको भरोसा है कि वो नगर निगम चुनाव में सरकार के हाथ मजबूत करेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेगी, और सरकार के हाथ मजबूत होंगे तो काम होगा। कांग्रेस जनता के बीच वादों के साथ जा रही है और भाजपा निगम चुनावों में सरकार की नाकामियों को गिना रही है। भाजपा ने ब्लैक पेपर जारी करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही महिला अपराध, नाबालिग अपराधों के साथ साथ भ्रष्टाचार, भामाशाह योजना, अन्नपूर्णा योजना और टोल टैक्स शुरू करने को जनता पर भार बताया है। भाजपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल से जनता ऊब चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए हुए है। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश व्यापी 20 महीने की सरकार की विफलताएं एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और इसलिए शहरों के साथ भी इस सरकार ने न्याय नहीं किया। या तो वो तमाम योजनाएं थी जिनका शिलान्यास हम कर चुके थे, उनका फीता काटने का, पत्थर लगाने का काम किया, या फिर केंद्र की ऐसी योजनाएं जिससे जयपुर का भला हो सकता था, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स,
उस पर भी सरकार की कछुआ छाप ने छाप चाल ने जयपुर के विकास को बाधित किया। निगम चुनाव में वादों और आरोपों का दंगल शुरू हो गया है। इस दंगल में वादों का संकल्प पत्र और आरोपों का ब्लैक पेपर भी जमकर चल रहा है। अब देखना होगा जनता की मुहर किस पर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। और शहर की सरकार के इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बीजेपी से अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। शेखावत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि हर बार जब भी कोई चुनाव होता है तो ये कोशिश की जाती है कि हम हमारा क्या प्रोजेक्शन है, हम हमारी क्या विचारधारा है, हम क्या शहर के लिए करना चाहते हैं, उसको जनता के सामने रखा जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने नकारात्मकता से शुरुआत की है, ब्लैक पेपर जारी किया है। देखो कि नकारात्मकता नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पौने दो साल के अंदर क्या क्या उन्होंने काम किए, क्या उन कामों को जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा उन घोषणा पत्र में उनको पूरा किया तो किया, तो किस प्रकार से किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने किस प्रकार से, जो हमने कहा कि कांग्रेस का जो कच्चा चिट्ठा हमने खोलने की कोशिश करी है वो है जनता के सामने बताने की कोशिश करी है पौने दो साल में इन्होंने क्या किया और जयपुर के लिए, प्लस आपके बाकी के जो नगर निगमों में जो चुनाव होंगे। जहां तक आप देखिए कि आप बिजली के किस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम बिजली के बिलों के अंदर वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन बिजली के में आप चाहे स्थायी शुल्क हो, फ्यूल चार्ज हो, और आपके पर यूनिट के हिसाब से हो, सब में इन्होंने वृद्धि करी। मतलब कहने का कहा क्या, किया क्या इन्होंने। टोल टैक्स देख लीजिए आपने, टोल टैक्स का किया इन्होंने, लेकिन उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर के किस प्रकार से वापस से टोल टैक्स चालू कर दिया उन्होंने। वेट में आप देख लीजिए, आप इन्होंने चार बार वेट बढ़ाए। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हर चीज में कहा, कई योजनाएं इन्होंने बंद कर दी, भामाशाह कर दी योजना, कितने लोगों को भटकना पड़ा इसके अंदर। आप देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर अन्नपूर्णा योजना जैसी ये अच्छी योजना थी, उसका नाम बाद में आपने कर करके उसको कुछ सीमित क्षेत्र तक कर दिया, पहले पूरे तक क्षेत्र तक चल रही थी। तो ये कह सकते हैं कि मैं आपको एक जयपुर की और बात बताऊंगा। आपको जयपुर के अंदर मुख्यतः दो प्रोजेक्ट थे, रिंग रोड का प्रोजेक्ट और एक अमानी सनाका का दुरुती नदी का एक प्रोजेक्ट लेके आए। क्या इन दोनों प्रोजेक्टों में कांग्रेस ये बता सकती है कि हमने पौने दो साल के अंदर क्या प्रगति करी? मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, शेखावत जी, आपका जो ये है ये आपका पूरा वो है जो आपने ब्लैक पेपर जारी किया है, लेकिन इस ब्लैक पेपर में मुझे ये बताइए कितने मुद्दे ऐसे हैं जो वास्तव में नगर निगम से सरोकार रखते हैं और कितने मुद्दे ऐसे हैं जिनका नगर निगम से कोई सरोकार ही नहीं है। आप बताएं मुझे को इसमें नगर निगम से सरोकार रखने वाले मुद्दे तो बताइए आप, क्योंकि निकाय का चुनाव है ये। देखो कि हम ये तो कह रहे हैं निकाय के चुनाव के अंदर हर चीज के अंदर ये आता है, जैसे स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए इनको दिए, क्या उन स्मार्ट सिटी के अंदर आप वर्तमान में कुछ काम कर रहे हो? आप अमृत योजना थी वो कौन सी योजना, वो भी आपके ये देखेंगे कि वो भी जयपुर शहर में आएगी, नगर निगम के अंदर क्षेत्र में आएगी। स्वच्छता से मिशन से संबंधित आती है, उसके अंदर 5 साल के अंदर 52,570 करोड़ रुपए दिए, वो भी योजना इनके तहत आएगी। केंद्रीय जो अनुदान था वो 3,027 करोड़ रुपए दिए, वो भी इनके तहत ही आएंगे। तो ये कहें कि हमने इस योजनाओं को नहीं लेके आए, तो ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अनुदान के रूप में मिल रही है। तो ये योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार का पैसा है, कुछ राज्य सरकार का भी पैसा है उसके अंदर। तो ये नहीं कह सकते कि इस काला चिट्ठा हम इसलिए लेके आएंगे, जनता देखे कि इन्होंने पौने दो साल में क्या किया है, उसके लिए हम लेके आए हैं। बाकी सरकार इनकी है, ये बताएं कि हमने पौने दो साल के अंदर जयपुर जैसे नगर निगम के अंदर क्या ऐसा कोई अचीवमेंट किया है, या जो पहले जो पड़े हुए थे हमारे कार्य उन्हीं को उन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया, तो इनकी जिम्मेदारी तो है। चलिए दो तीन मुद्दे मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें इनमें आपने नगर पालिका या नगर निकाय या नगर परिषद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर आपने इसमें जिक्र किया। स्वर्णिम जी, इस ब्लैक पेपर पर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, इसको आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है, ब्लैक पेपर को हम निगेटिव पब्लिसिटी भी ना कहे तो भी ठीक है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जो कमियां सरकार उनको सामने लेकर आए। अभी मोटे तौर पर, हालांकि निकाय चुनाव से कितना सरोकार है इसको लेकर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी कमियां सामने लेकर आए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रभात जी, सबसे बड़ी बात जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक पेपर लाए ये सरकार के खिलाफ, लेकिन नगर निगम की कार्यप्रणाली और नगर निगम के कार्यों को लेकर
पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर पिछले 20 वर्ष से देखें तो नगर निगम में चाहे महापौर एक आध बार कांग्रेस का रहा हो, लेकिन अधिकांश नगर निगम में जो अभी चुनाव हो रहे हैं आज तीन, इनमें अधिकांश क्या हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो आपने क्या किया, केंद्र सरकार की चाहे योजना रही हो, राज्य सरकार की रही हो, चाहे नगर निगम बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाई हो, ये अगर उसका कहते हैं रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते, या इन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए, इनके जब चुनाव में बोर्ड बना लिया आपने, आपके बोर्ड ने क्या अचीवमेंट्स किए, आपके महापौर रहे अधिकांश में, उन्होंने क्या जयपुर से लेकर जोधपुर कोटा इन तीनों निकायों में आपने क्या जनता के लिए जनता के हित में काम किए, अगर उसका कच्चा चिट्ठा या रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते तो ज्यादा बेहतर होता। आज सरकार को बने हुए 2.5 साल हुए हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं, साल में आप देख रहे 7 महीने से जो है राजस्थान पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, और इसके लिए बेहतरीन प्रबंधन और बेहतरीन कार्य राज्य सरकार ने किया, लेकिन नेगेटिव जो एस्पेक्ट है और जो कहना चाहिए कि जो नकारात्मक सोच है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में उतरती है, जबकि हम एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। विजन डॉक्यूमेंट ये होता है, आप भी लिए थे, आप बताएं तो सही, आपके पुराने बोर्ड ने, आपके पुराने जितने भी बोर्ड बने उन्होंने क्या अचीवमेंट किए, इतने सालों का ही लिया थे, पिछले का छोड़िए सालों का लिया थे तो भी अच्छा होता, लेकिन राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो एक रोड मैप बनाया गया है कि इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि नगर निकाय के द्वारा, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके द्वारा हम जनता के लिए क्या कार्य करेंगे वो हमने बताया। जैसे हमने बताया कि 2012-13 की तरह जो है शहर प्रशासन शहरों के संग अभियान चला करके जो नियमन होने के बाद या नियमन करना है जिन कॉलोनियों का, उनका नियमन किया जाए, पट्टे दिए जाए, कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाए, इसके अलावा स्टेट ग्रांट के तहत जो पट्टे दिए जाने हैं वो दिए जा सके, कृषि भूमि पर खातेदारों द्वारा जो कॉलोनियां विकसित कर दी गई हैं उनका भी नियमन करने का हमने इसमें विजन दिया है, हमने इसमें वादा किया है। हमने ये भी बताया है कि जो देखिए दो तरह की इसमें चीजें हैं, एक तो विकास, दूसरा भ्रष्टाचार कैसे कम किया जा सके, क्योंकि नगर निगम में जब तक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। हमने कहा कि 500 वर्ग तक का जो भूखंड होगा, यही आरोप इस ब्लैक पेपर के जरिए आप पर भी लगाए गए हैं, इसमें लिखा गया है इसको निगम और पालिकाओं में भ्रष्टाचार, इसको तो मुद्दा ये खुद ही बना रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि जितने तक के भूखंड है इसका आपको जो मैप है मानचित्र उसको अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा छोटे जो भूखंड है इन छोटे भूखंडों में परिवार बढ़ गए, गरीब व्यक्ति है वो, और उसको शिथिलता दी जाएगी FAR बढ़ाने में। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो नगरीय कर हैं, जो नगर निकाय कर वसूलता है, उनका भी ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा, और स्वयं निर्धारण की प्रक्रिया हमने की है, किसी इंस्पेक्टर को जाकर के या किसी पार्षद के पास किसी को जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं निर्धारण करके ऑनलाइन ही आप कर के लिए उसमें जमा कराएं। इसके अलावा 90A के तहत जो भूमियों का रूपांतरण हुआ है उनका जो कहना चाहिए उसके लिए किसी आदमी को पट्टे के लिए आवेदन करना है, किसी कॉलोनी को करना है तो आपको नगर निगम जाने की जरूरत नहीं है, उसका भी ऑनलाइन आवेदन करके पोर्टल पे पूरी जनता के सामने पारदर्शिता के साथ उसका निर्णय होगा। इसके अलावा भवन के लिए अन्य तो निगम से कार्य है उन कार्यों को लेकर के आप ऑनलाइन ही सारे कार्य किए जाए जो पारदर्शिता से होंगे, कहीं किसी बंद कमरे में किसी दो व्यक्तियों के बीच नहीं होंगे। तो ये सारे जो कार्य हैं वो हैं भ्रष्टाचार कम करने वाले। इसके अलावा मैं बताता हूँ विकास और सुरक्षा से संबंधित जो हैं, हमने कहा कि ये चूंकि अग्निशमन सेवाएं हैं नगर निगम के अंडर में आती हैं, हमने इसमें ये वादा किया है कि 70 मीटर तक की जो ये कहना चाहिए कि एक लैडर है ना, इसमें एरोडायनेमिक लैडर होती है ताकि बड़ी भवन जो है या शहर में जो परकोटे के अंदर का एरिया है जहाँ पे हाइड्रोलिक लैडर जो है एरो हाइड्रोलिक लैडर होती है जिसमें वो ऊपर से जाकर के पानी का छिड़काव कर सके। मान लीजिए जहाँ वाहन नहीं जा सकता तो एक बिल्डिंग के बगल से वो इतना ऊपर जाकर के उसको क्रॉस कर सकती है, या ऊंचे इमारतें हैं तो उन इमारतों तक वहां पे पहुंचा जा सकता है। इस तरह की हमने सुविधाएं बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा हमने कहा जयपुर के लिए हमने
जैसे रामनिवास बाग है, रामनिवास बाग में हमने कहा कि एक नई भूमिगत पार्किंग, क्योंकि पहले भी जो भूमिगत पार्किंग है ये खुद शासन के दौरान ही बनी है, हमने कहा 1500 कारों के पार्किंग विकसित वहां पे की जाएगी। इसके अलावा आरओ भी बनाने की हमने बात की है, जो विकास कार्य और भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले ये हमने बिंदु इस समाहित किए हैं, जिनको लेकर के सब को भी खुशी प्रकट करनी चाहिए। चलिए 41 बिंदु आपने इसमें रखे अपने वादों के, जी 41 वादों का संकल्प पत्र आपने अपनी तरफ से जारी किया है। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या आपको याद आता है पहले कभी इस तरह का कोई संकल्प पत्र वर्सेज ब्लैक पेपर, क्योंकि ये चुनाव के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, बीच में अगर कोई जब इनका बोर्ड चल रहा हो, बोर्ड की कार्रवाई चल रही हो, तब जरूर वो अपनी तरफ से उन कमियों को सामने लाने के लिए ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर सामने रखते हैं, लेकिन क्या चुनाव के दौरान इस तरह से कभी आपको याद आता है पहले हुआ हो, और वो भी जिक्र ऐसा जिसका नगर निकाय चुनावों से कोई सरोकार नहीं हो, और वही ऐसा कोई संकल्प पत्र जिसमें कुछ नए वादे नहीं किए गए हो, वही पुराने वादे जो पिछले संकल्प पत्र में किए गए हो वो अभी तक बदस्तूर इसमें जारी हैं, आपको याद आता है ऐसा पहले कोई प्रकरण हुआ हो? देखिए प्रभात जी, पहले जब अशोक गहलोत सरकार थी तो निश्चित रूप से बीजेपी ने एक ब्लैक पेपर जारी किया, फिर सरकार आ गई, कोई जांच नहीं कराई उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ये तो अशोक जी को याद होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार का एक ब्लैक पेपर जारी हुआ था, उसके बाद उसके पर जांच नहीं कराई, क्या पता क्या हुआ पहले भी। अगर ये आज ये ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये किसका चुनाव हो रहा है, 6 नगर निगम जो बने नए उनका चुनाव हो रहा है, 3 शहरों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आज जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तो जाने की स्थिति में है और ठीक नहीं है सारी चीजें, जो द्रव्यवती नदी की बात कर रहे हैं, हमारे पास बजट था नहीं उस वक्त, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू हुआ करते थे, वो दौरे पे आए थे और क्योंकि हमारे यहाँ से सांसद राज्यसभा के चुन के गए थे, उन्होंने कुछ चीजें उस वक्त दी थी, उसके बाद वो चले गए उपराष्ट्रपति बन गए, तो जो पैसा हमको मिलना चाहिए था नहीं मिला, और हमारा जेडीए हाउसिंग बोर्ड और बाकी सबसे 1850 करोड़ रुपए लगा दिया, और जिसको दिया टाटा कंसल्टेंसी को दिया, समय पर हम उसको पूरा नहीं करा पाए, और आज स्थिति है कि जैसे ही बारिश आई उसकी पोल खुली पूरा बना ही नहीं। आज की स्थिति में 1850 करोड़ रुपए आपने लगा दिया इस शहर का, उसका उपयोग कितना हो रहा है, मैं भी उस उद्घाटन में गया था, वसुंधरा जी ने पानी भरवाया और थोड़ा साफ कराया और कहा कि मेरे को कम से कम, क्योंकि सर चुनाव आ गए थे, जाना है या आना है पता नहीं क्या था, कि उद्घाटन तो कर लेने, तो उद्घाटन हुआ, वो आज भी अधूरा है और 90 करोड़ करीब और चाहिए, उसमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, लेकिन किस तरह से स्थिति बनी कि जितना पैसा आपने जिस योजना में लगाया उस योजना का लाभ नहीं ले पाए अभी तक, क्या स्थितियां क्या नहीं रही। लेकिन देखिएगा फिर अभी बार बार कह रहे हैं कि नगर निगम की क्या कारगुजारी रही, क्योंकि अब इनके जो महापौर बनने वाले थे मनोज भारद्वाज वो तो बन नहीं पाए, इनके खिलाफ इन्हीं के विद्रोही खड़े हो गए विष्णु लाटा, और वो जीत गए कांग्रेस के समर्थन से। अब ये अपना बोर्ड तो इनका मेयर हो गया कांग्रेस समर्थन, इनके हाथ से सत्ता चली गई, सत्ता जाने के बाद क्या स्थिति बनी अब ये तो ही बताएंगे डेट, क्योंकि वो भी करीब एक साल करीब रहे, 9 महीने करीब रहे, तो उन्होंने अपना काम आज किया तो बता सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी। लेकिन एक पुरानी बात मैं याद दिला चाहता हूँ कि अशोक परनामी जब मेयर हुआ करते थे, 4 दीवारी क्षेत्र में प्रॉपर्टी कनेक्शन हुआ था, उसमें क्या बड़ा घोटाला हुआ था अशोक जी जानते होंगे, आज तक उसकी जांच कराएं तो इनको मालूम पड़ेगा क्या स्थिति बनती है क्या होगा। मैं मान के चलता हूं कि हमारा जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हुआ और जितना भ्रष्टाचार हुआ वो आज किसी से छिपा नहीं है। अशोक लाहौटी आ गए उसके बाद, और लाहौटी चले गए तो क्योंकि महापौर बार बार बदलने का काम किया, ये बात है, जोधपुर में महापौर ने अच्छा काम किया, वो ईमानदार थे, उन मुख्यमंत्री भी आज मानते हैं जोधपुर में उन्होंने इतना नहीं किया, लेकिन कोटा की स्थिति भी अच्छी नहीं रही,
तो ये जिस जिन जिस शहरों में आप बात कर रहे हैं कि हम आज जोधपुर में सेम की समस्या है, उसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार क्या कर सकती है ये बता नहीं पा रहे। जोधपुर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, लेकिन वहां केंद्रीय मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, वो कहें कि हम मैं स्मार्ट सिटी में शामिल करा दूं, डॉक्यूमेंट विजन लाने की बात कर रहे हैं, कहें नगर निगम का एक्ट नहीं है। अब नगर निगम के चुनाव होते हुए कितना टाइम हो गया, 20 साल 24 साल करीब हो गए, लेकिन आज तक एक्ट लागू नहीं हुआ। जब एक्ट लागू नहीं हुआ तो नगर निगम का हैसियत भी क्या है, नगर पालिका जैसी है, और नगर पालिका की हैसियत क्या होती है आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में जो कमियां हैं उनको बीजेपी कहे कि हम ब्लैक पेपर नहीं, हम विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं और केंद्र सरकार से पैसा लाके देंगे और उसका विकास कराएंगे शहरों का। तीन शहर, तीनों शहर वो शहर है, एक तो औद्योगिक नगर कहलाता है जो कोटा है, जयपुर तो प्रदेश की राजधानी है, इसका विकास तेजी से होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ सब लोग आते हैं इसलिए मेट्रो भी अधूरी नहीं, मेट्रो का आप काम काज पहला फेज पूरा हो पाया और दूसरे फेज की बात शुरू होने की बात हो रही है, तो नहीं कह पा रहे कि केंद्र सरकार से हम विशेष अनुदान ला देंगे और इसको थोड़ा बहुत कुछ कर पाएंगे। शहरों देखिए, तीनों शहरों में पानी घर तक नल पहुंचे, इसकी योजना चल रही है केंद्र सरकार की, वो 50% 50% दे रहे हैं। अब क्योंकि वो हमारे जोधपुर से जाते हैं और उनका हमारा अधिकार बनता है कि हमको कुछ विशेष दर्जा दे, जिस तरह की पहाड़ी क्षेत्र में दिया है, बाकी जगह दिया है, तो हमको कोई भी नहीं है, हमको हम उसकी उसकी योजना का लाभ जितना लेना चाहिए नहीं ले पा रहे। तो ये सारी चीजें हैं। अब जिस प्रकार से देखिए, कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है, जो बातें कही गई पुरानी बातें, नई बातें नहीं है। आप पट्टा पहले भी जारी हुआ, शहरों की ओर प्रशासन चला, गांव की ओर चला, शहरों की ओर भी चला, इसमें कोई नई चीज नहीं कह रहे। अब हम इस शहर को किस प्रकार से एक अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल कैसे देंगे इसके, क्योंकि तीनों शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, कोटा ले लीजिए, जोधपुर ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, ट्रैफिक का कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ के प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार से, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक बस की बात हो रही थी, अभी तक इलेक्ट्रिक बस देखने को मिली नहीं, अब आएगी नहीं आएगी पता नहीं, कुछ कह रहे हैं कि 100 बस आ जाएगी। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आम व्यक्ति को, अभी कह रहे हैं सरोज जी कि ऑनलाइन सब कुछ कर देंगे, आपके पास संसाधन है क्या कि ऑनलाइन सब कुछ करा दोगे अभी, क्योंकि अभी तो कार्यालय कहाँ बनेंगे, जो नए नगर निगम बने उनके कार्यालय भी निर्धारित नहीं है, 1 साल हो गया। सरकार का दायित्व बनता था कि वो सब नगर निगम के भवन बना दे और आने वाला मेयर कहाँ बैठेगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, अभी तक कोई तय नहीं है। केवल जब कोर्ट ने कहा कि आप ये तो बता दीजिए कि दो दो नगर निगम बना दिया आपने, साल भर से आपने अधिकारी नहीं लगाया, उसके बाद इन्होंने सब जगह अधिकारी नियुक्त किए। लेकिन ये सारी चीजें कमियां हैं, आप विजन डॉक्यूमेंट से बताइए ना कि जयपुर में हेरिटेज नगर निगम का कौन सा भवन होगा, अभी तय नहीं हुआ। पहले कह रहे पुरानी विधानसभा दे देंगे, अब कहते हैं कि पुलिस मुख्यालय में दे देंगे। तो ये आप जिसके चुनाव कराने जा रहे हैं उसका कार्यालय नहीं है और चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव भी हो जाएंगे, उसके बाद फिर ढूंढा जाएगा, क्योंकि जब मेयर आ जाएगा तो बैठेगा कहाँ, यहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, अभी तो तय नहीं है ना। तो ये सारी सरकार को जिम्मेदारी ली है आपने, नए नगर निगम बनाए कि हम कार्य को अच्छी गति दे पाएंगे, तो ये सारी चीजें है सामने। मैं पहले भी कह रहा था सतीश पूनिया जी को, ये ब्लैक पेपर जारी नहीं करना चाहिए था। ब्लैक पेपर जारी करने के लिए आपके पास नगर निगम की क्या कमियां है, क्योंकि आप तो खुद तीनों जगह बोर्ड आपके थे, आप कमियां गिना नहीं सकते क्योंकि आप बोर्ड में आप थे और आपके थे। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप ये चीजें बार बार, विधानसभा भी आई थी वहां पर आपने सारी बातें कही थी सब, और वहां पे आप चुनौती दे नहीं पाए थे। और ये जो ब्लैक पेपर है जारी किया है, किसी तथ्य नहीं है इनके पास, अखबारों की कटिंग के आधार पर अगर जी, ब्लैक पेपर जारी करोगे आप तो उसका मैं वही क्या कहना चाह रहा महत्व था। रह जाएगा, जी तो इसका बिल्कुल, मैं महत्व श्याम जी यही कहना चाह रहा था। जी अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बात सही है, जो भी आपने इसमें जिक्र किया है, आप जो कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा के नाम से आपने ब्लैक पेपर जारी किया है अशोक जी, उसमें आंकड़ों का कहीं जिक्र नहीं है। आपने महिलाओं से खिलाफ दुष्कर्म के मामलों को लेकर इसको प्रदेश को नंबर वन बता दिया, हालांकि ये मामला जो है वो सुरक्षा से जुड़ा मामला पुलिस के जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन फिर भी
कहां कौन सा आंकड़ा, कौन सा सर्वे, कौन सी रिपोर्ट है जिसमें इसको पहले नंबर पर बताया गया है? भ्रष्टाचार को लेकर आपने यहां पर बात की है, भ्रष्टाचार के कितने करोड़ के भ्रष्टाचार हुए उसको लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे में बिना आंकड़ों के सिर्फ पेपर की कटिंग्स के साथ कोई ब्लैक पेपर जारी करना, आपको नहीं लगता कि इससे गंभीरता ब्लैक पेपर की या फिर आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं उसकी गंभीरता कम हो जाती है और ये अलग असर डालती है, जो आप चाहते हैं वो असर नहीं डालती जनता के ऊपर? देखो प्रभात जी, आप ये बताइए, यदि किसी चैनल के ऊपर और किसी अखबार के अंदर कोई बात आती है तो इसका मतलब ऑथेंटिक नहीं है, यदि आपकी इसी बात को हम मान लें तो। फर्स्ट तो ये बात मैं चलिए आपने क्राइम को लेकर मैं इसी में चीज जोड़ लेता हूं। मैंने क्राइम का एनसीआरबी के बैठता हूं, मैं डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूं। देखिए एनसीआरबी की ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें आईपीसी और एसएलएल के है, इसमें पांचवें नंबर पर राजस्थान आता है महिला अपराधों में। अब आपके कौन से आंकड़े मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें आप जी मैं बताऊं आपको, एनसीआरबी के आंकड़े 2019 में महिलाओं के अपराध में राजस्थान द्वितीय नंबर पर है और रेप के केसों में नंबर वन है और राजधानी जयपुर है वो चौथे नंबर पर अपराधों के अंदर, वो भी एनसीआरबी के डाटे के अंदर है। मैंने तो पूरी उसकी जितने भी एनसीआरबी के डाटे हैं सारे उसकी स्टडी करी है और उन स्टडी में मुझे मालूम है कि किस अपराध में कहां कहां है। जहां तक आप कहो तो मैं आपको संभाग के स्तर से जिले के स्तर पर भी बता दूं कि किस अपराध में कहां अपराध गठित हुए हैं। जहां तक आप ये कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि आपके ये प्रदेश वाले मुद्दे इस निकाय के चुनाव में क्यों नहीं आने चाहिए, क्यों आएंगे? बिजली की वृद्धि होगी तो क्या शहर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। यदि आप इसके अंदर टोल टैक्स बढ़ेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या यहाँ के नागरिकों को नहीं मिलेगा? बढ़ेगा। लेकिन इसमें निकाय स्तर पर क्या किया जा सकता है? अगर मान लीजिए बोर्ड बनता है तो वो उनका अधिकार सुधार करेंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जो चुनाव में 2018 में किया उसकी इन्होंने पालना नहीं करी है, तो क्या इस प्रकार ये संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं, क्या इसकी पालना हो जाएगी 41 की? कैसे हो जाएगी? इन पर कैसे विश्वास करेंगे? वो बेरोजगारी भत्ता के लिए जो इन्होंने कह रहे थे मापदंड, तो पेंशन का मैटर है, वो पेंशन का मैटर किस में आता है? निकायों में तो आता है, नगर निगम के अंदर आता है। आज वो नए जो पेंशन के लिए आ रहे हैं वो उनका ऑनलाइन के अंदर जो उसका जो वेरिफिकेशन होना चाहिए वो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो नगर निगम के अंदर तो आएगा और किस में आएगा? तो इसी प्रकार से गौशाला आप देख लीजिए, आप गौशाला का 1200 लगभग करोड़ का ये बजट था, उस बजट के अंदर आप उसको गौशाला को नहीं दे करके आप उस बजट को रोक रहे हो और आपसे विधानसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने कोई सही जवाब नहीं दिया। इसके अंदर इन पैसों को हमने कहां से तक लिया, तो हम ये पूछेंगे नहीं कि इस ब्लैक पेपर के माध्यम से? यही इसमें सवाल है। लेकिन आप ये जरूर कह रहे हो कि साहब आपका विजन क्या है? विजन हम ये बताना चाह रहे हैं कि पौने दो साल के अंदर राजस्थान के अंदर कुछ नहीं किया है, सिर्फ विजन लेके आ रहे हैं। अभी उससे पहले 52 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें भी इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया और उनमें बता दीजिए आपने उसके अंदर कम से कम 39 की लगभग शर्तें थी 2019 में चुनाव हुए, तो उन चुनावों के अंदर आपने क्या कर दिया उसमें बताइए ना? आपने उन शहरों के अंदर जो आप प्लान लेके आए थे उन प्लानों को क्या किया आपने? जहां तक इन्होंने कहा कि हम कच्ची बस्तियों का सिटी सर्वे यदि आप कराओ, सिटी सर्वे तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, उन सिटी सर्वे जिनको किया जा चुका जिसके 25 गज का प्लाट है, 30-35 गज का प्लाट है, क्या उन प्लाटों को आप रेगुलाइज करके उनका पट्टा दोगे? आज वो बिजली के कनेक्शन के लिए साथ साथ मैं बताऊं कि इतना उनके लिए दिक्कत आ रही है, प्राइवेट डिस्प्यूट चल रहे हैं उन लोगों के, दूसरा किसी के 75 गज का प्लाट है उसको दबा लेता है और उसमें मर्ज कर दिखा करके कोर्टों में केस चल रहे हैं उनको, उनको बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और ईवीसी के सूटदारी करके हैं जो किराएदारी वाले होते हैं वो ऐसे प्रकार के सूटदारी करके सर्वे के आधार के ऊपर उनको सर्वे के आधार पर मिला हुआ है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनके पास वाले हैं वो उसको उसमें मर्ज करके दिखा रहे हैं और उनको बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए भी यदि कांग्रेस यदि घोषणा पत्र में इसमें लेके आई है सरकार उनकी है, तो क्या सरकार के अंदर आप उनके लिए कुछ ऐसा कोई मापदंड करेंगे, ऐसा कोई नियम लेके आएंगे जिसको उनको आज को रिलीफ मिल सके? तो श्याम सुंदर जी ने कहा कई बातें, इन्होंने कही कि कई बातें हो सकती है कि इसके अंदर कोई नगर निगम के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बातें आई हो, तो उन भ्रष्टाचार की बातों में आज कांग्रेस का शासन है, चाहे तो आप वो जांच करा लीजिए, कौन मना करता है? हवा हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा, यदि है तो आप कराइए जांच। सोनू जी बैठे हैं, उनको कह दीजिए कि आपकी सरकार आप जांच कीजिए इसकी, यदि पूर्व का कोई किसी महापौर ने किया हो तो। लेकिन हवा में बात करना 10 साल की बात को 15 साल की बात को आज यहाँ ला करके कहना कि साहब उस समय ये हुआ था, हुआ है तो आप करिए ना, सरोज जी से आपकी कांग्रेस की सरकार है उसकी जांच करेगी, तो हम क्या बिजली के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाए, हम मुद्दा मनाएंगे सिविल लाइन का, मुद्दा मनाएंगे सिविल लाइन का। ये बता दीजिए इन पौने दो साल के अंदर आपने कहा सिविल लाइन के अंदर बढ़ाई करी
और बताइए आपको जो पहले जो पैसा आया सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा आया, उसी से सीव लाइन के आगे बढ़ाई है। सीव लाइन को आपने रोक लिया, अमृत योजना के तहत जितना भी पैसा आया उसके अंदर आपने क्या क्या फ्लाई ओवर है आप बताइए, नए फ्लाई ओवर आपने कितने किए? दो फ्लाई ओवर राजस्थान जयपुर के अंदर आपने किए फ्लाई ओवर, बाकी के पुराने फ्लाई ओवर चल रहे हैं। मानते हैं कोविड के अंदर समस्या आ सकती है, लेकिन कोविड में समस्या आएगी तो आपको ही देखना पड़ेगा सरकार को कोविड के अंदर राजधानी के अंदर कैसा उसका पालना करें और मरीजों को उसके अंदर सहूलियत मिले, उनको उपचार ढंग से मिले, ऐसा नहीं प्राइवेट जो अस्पताल है उनको जाकर वो शोषण करे। तो ये मुद्दे हम उठाएंगे इस चुनाव के अंदर, क्योंकि सरकार के फेलियर के मुद्दे उठाएंगे तभी पता पड़ेगा क्यों सिंबल कांग्रेस का लिया गया न कि किसी दूसरे का, इसलिए हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। जहां तक हमारे वोट आएगा, जी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया इसलिए आप हमें वोट दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कुछ सवाल उठाए हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं इसको लेकर जवाब लूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन बहरहाल आपने जो एक और बात कही थी कि जांच कराने, श्याम सुंदर जी ने जिक्र किया है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ एक ब्लैक पेपर और उनके खिलाफ सारी बातें सामने रखी गई थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उन पर कोई अमल नहीं किया गया। श्याम जी ने खुद इस बात का जिक्र किया है। तो वादे और दावे ये बातें सिर्फ किताबी हैं, आरोप लगाए जाते हैं वो भी सिर्फ किताबी रह जाती हैं, चुनावी दौर में ये बातें कही जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब मौका मिलता है उस पर कुछ अमल करने का तो वहां पर सारी चीजों को भुला दिया जाता है। पता नहीं किस बात का डर है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो उनके किसी मामलों को ना खोलती, ये सरकारों में आपस में चलता रहता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास और जानेंगे जो भी आरोप अशोक सिंह शेखावत जी की तरफ से लगाए गए हैं उस पर उनका क्या कहना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास खबर में हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, जहां पर एक तरफ अपनी तरफ से एक विजन डॉक्यूमेंट संकल्प पत्र के तौर पर सामने रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक ब्लैक पेपर जारी किया गया। इसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी से अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम जी, आपने बीजेपी के जो आरोप है उन सभी आरोपों को सुना होगा, उन आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, लेकिन उसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। आपने जो सबसे पहले नंबर पर इसमें टॉपिक दिया है जो स्टेट ग्रांट के पट्टों की बात तो हम खैर बाद में करेंगे, लेकिन
कच्ची बस्तियों के जो नियमितीकरण की बात है, ये हमेशा चुनावी वादा किया जाता है, चुनाव के दौर, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव हो, हमेशा उनको ये कहा जाता है कि उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी जो कि एक कॉलोनी में हुआ करती हैं। लेकिन पट्टे छोड़िए, दूसरी जो उनकी जमीनी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए पानी को लेकर, वो सुविधाएं भी उसमें नहीं दी गई हैं। लास्ट मेयर कांग्रेस के समर्थित रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक वो समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। जयपुर के कई इलाकों की हम बात करें, चाहे जवाहरनगर कच्ची बस्ती की बात करें या फिर जयपुर के बीच में जो कच्ची बस्तियां उनकी बात करें, ऐसे में आप इसको पहले नंबर पर लेकर आते हैं। इस सवाल के साथ मैं आपसे शेखावत जी के जो सवाल है उनका जवाब भी चाहूंगा। देखिए प्रभात जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ वादे नहीं है। जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था तो कच्ची बस्तियों में एक डेडलाइन तय करके कि अमुक ईयर तक के जो सर्वे हुए थे उन कच्ची बस्तियों का नियमितीकरण करके और उनके पट्टे जारी किए थे। ये सिर्फ जयपुर में नहीं, अधिकांश जो राजस्थान के शहर हैं सब जगह जारी किए गए थे। और कुछ जगह ऐसी थी जहां पे डिस्प्यूट थे, जैसे लैंड डिस्प्यूट। अब आप कह रहे हैं जवाहर नगर वाली कच्ची बस्ती का आपने जिक्र किया, तो इसमें पहले एक समय में, आज से ये 91 से पहले की बात है, कि काफी यहाँ के जो निवासी हैं इनको सरकार ने मकान बना करके दिए भी थे। कुछ गए, कुछ नहीं गए, वहीं रह गए और उसके बाद ये बढ़ते चले गए। तो इन जमीनों का एक डिस्प्यूट और था, वो ये था कि कुछ भूमि वन विभाग की है, कुछ भूमि शहरी भूमि है। तो इनमें नियमन जहां हो सकता था वहां नियमन किया। और जहां तक सुविधाओं की बात है तो देखिए, कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जहां जब नियमन हो जाए तो सरकारी भूमि है और उसपे सड़क भी बन सकती है, उसमें पानी की पाइपलाइन भी डाली जा सकती है, बिजली के लिए खंभे भी गाड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर वन विभाग की भूमि है या किसी, जैसे झालाना के पास में मालवीय नगर का कॉर्नर का एक एरिया है, वहां पे किसी प्राइवेट जो व्यक्तिगत किसी की निजी भूमि है, उस निजी कच्ची बस्ती है, तो वहां पे विकास कार्य कराने के लिए उनका कोर्ट में केस चल रहा है। तो कुछ कुछ सुविधाएं वहां कम रही, लेकिन इनमें अधिकांश तय जो कच्ची बस्तियां थी इनको, चाहे आप देखेंगे शास्त्री नगर की कच्ची बस्तियां हैं या उसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे काफी हद तक नियमन करके यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, कि सिर्फ वादा नहीं है, यहाँ पे लगातार कार्य होता है, क्योंकि ये एक बड़ा कार्य होता है, कई विभागों में जाकर के उनमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है, वो सारी चीजें की जाती हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो नगर निगम का दायित्व बनता है, इसमें सबसे बड़ा वो ये बनता है कि आप सभी विभागों के साथ तारतम्य मिला के कोऑर्डिनेशन करके आप क्लियरेंस लेकर के, यदि आपका विजन है तो आप लेते हैं। और इसमें जब नियमन हो जाता है तो नियमन के साथ में वो सारी सुविधाएं जिनका आपने जिक्र किया वो सरकार की तरफ से देय होती हैं और वो दी जाती हैं। मैं अभी अशोक जी के जो आरोप है, इन्होंने कहा कि सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है और इन्होंने कई तरह की बातें की, मैं आपको, आपने बिल्कुल सही बात उठाई थी कि इनका कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास, मतलब कोई किसी कहीं किसी विभाग की रिपोर्ट हो या किसी की प्रगति रिपोर्ट हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए, हम अपने 2.25 साल के कार्यकाल के दौरान, हमारे ये 2 अक्टूबर को हमने हमारा एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें हमने सरकार ने जो वादे, जो हमने चुनावों में वादे किए थे, हमने जन संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया था चुनावों में, उस जन घोषणा पत्र में जितने हमारे बिंदु थे, जो वादे थे, उनका रिपोर्ट कार्ड, प्रगति रिपोर्ट हमने पेश की कि किस किस वादे में कितनी प्रगति हो चुकी है, बिंदुवार, जो जैसा उस घोषणा पत्र में था उन्हीं बिंदुओं के साथ हमने बताया इस बिंदु पर हमारी इतनी प्रगति हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को यदि आपत्ति है कोई तो आप बताते हमारे इस डॉक्यूमेंट में जो हमने 2 अक्टूबर को जारी किया है, क्या इसमें कोई कमी है, क्या हमने कोई गलत आंकड़ा पेश किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए। अभी मैं भी आरोप लगा सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था, क्या 6 साल में 7 साल में दे दिए 14 करोड़ रोजगार? मैं कह सकता था 15 लाख देने का वादा किया था, सस्ता पेट्रोल करने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का आपने वादा किया था 2021 तक, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया था। तो इन मुद्दों पर नगर निगम के चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, नगर निगम के चुनाव लड़े जाएंगे जो नगर ये विकास के लिए जो लोकल सेल्फ बॉडी है उसके जो वर्किंग है, जो कार्य है,
भाई अब बिजली सप्लाई करना नगर निगम का कार्य नहीं है, लेकिन नगर निगम में बैठा हुआ महापौर और जो बोर्ड है वो जनता को क्या सुविधाएं देगा, इस चीज की बात करनी चाहिए। क्योंकि ये सुविधाएं कुछ नगर निगम, ये जो गवर्नेंस है, इस गवर्नेंस में कुछ सीमा तक नगर निगम की पावर है, उसके बाद सरकार की पावर है, उसके बाद केंद्र सरकार की पावर है। तो नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार में रह करके जनता के लिए जो कार्य कर उसको सौंपे गए हैं उसमें हम किस तरह से कार्य हमारा बोर्ड बनता है वो करेंगे, ये बताने का हमने प्रयास किया। और इसमें हमने देखिए, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय योजनाओं के लिए, हमने कहा कि अगर स्मार्ट सिटी बनती है, स्मार्ट सिटी की जो योजना है उसके तहत हम यहाँ पे 800 करोड़ की लागत से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पार्किंग की सुविधाएं हैं और अन्य सुविधाएं हैं, SMS हॉस्पिटल और जो गणगौरी बाजार हॉस्पिटल है, इनमें सुविधाएं बढ़ाने का और जनता को आने वाले जो वहां गाड़ी खड़ी करने वाले और इसके अलावा और जो सुविधाएं वहां मरीज को या मरीज के परिजनों को चाहिए वो उपलब्ध कराने का हम कार्य करेंगे। आपने कहा कि साहब ये हमारी योजनाओं के नाम बदल दिया, इंदिरा रसोई हमने चालू की, ये कह रहे हैं अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी अन्नपूर्णा योजना आपकी थी नहीं, आपने एक संस्था के साथ मिलकर के एक गाड़ियां जाती थी, कहीं खड़ी हो जाती थी, सुबह से शाम तक वो खाना भर के लाती थी और रात दे रहे। हमारे यहाँ पे हमने जो ये योजना शुरू की है ये बिल्कुल अलग है उससे। इस योजना के अंतर्गत ध्येय ये है कि पेट भरना है गरीब का, लेकिन बिठा करके जहां भी कहीं ऐसी जगह है, हॉस्पिटल्स है, जैसे SMS हॉस्पिटल है, गणगौर बाजार हॉस्पिटल है, इसके अलावा टॉप फाटक के एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी के पास का एरिया है, यहाँ ये इंदिरा रसोई चालू की गई जहाँ पे बैठ करके आप रसोई से बना हुआ गर्म भोजन आपको बिठा करके परोस करके खिलाया जाएगा पेट भर करके। तो ये एक अलग योजना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मतलब बैठने के लिए एक भवन चाहिए, भवन में बिजली लाइट आपके पंखे चाहिए, वहां पे वातावरण आपको जो है कुर्सियां चाहिए, मेज चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं डेवलप करके ये रसोई चालू की गई। ये एक मैस है जैसे जहां बैठ करके आदमी कैंटीन की तरह खाना खा सकता है, सड़क पे खड़े होकर अपनी गाड़ी में खड़े होकर के प्लेट पकड़ के या डिस्पोजेबल प्लेट पकड़ के खाना नहीं खाना है आपको, तो ये अलग है। और इसका आज यदि कोई पता करेगा तो इससे जनता को बहुत राहत मिली और जनता इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है। हमने जो अपनी जो एक ये विजन डॉक्यूमेंट जारी किया इसमें सारे वादे किए, इसमें हमने बहुत सारी चीजें इस तरह की भी दी है जो आम आदमी और व्यापारी को सुविधा का भी ध्यान रखा है। जैसे मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़कों को लेकर के हमने कहा कि वहां पे मिश्रित जो उनका यूज है उसको लेकर के हम निर्णय करेंगे कि कहाँ व्यवसायिक आपको ये क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, कहाँ आवासीय घोषित किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं मुख्य सड़क होती है वहां पे लोग मकान के नीचे एक दुकान बनाकर अपना व्यवसाय भी प्रारंभ कर लेते हैं, तो उनको असुविधा नहीं हो, वहां कोई नगर निगम का इंस्पेक्टर जाकर के कि नोटिस दे करके या नोटिस देने का धमकी दे करके पैसा ना वसूले, तो ये हम उसका नियमन करने की बात कर रहे हैं। तो ये सुविधा देने वाली बात है। मैं ये कह रहा था आपने जो भी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, आपको नहीं लगता कि पहले बात कही गई थी कि वार्ड वाइज हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, चलिए छोड़ दीजिए हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दोनों का अब जो जो शक्ल है और जो वहां पर रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है या फिर जो विकास कार्य है वो बिल्कुल अलग अलग है, आपको नहीं लगता इनका जो विजन डॉक्यूमेंट आपने जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, दोनों का अलग अलग जारी किया जाना चाहिए था, ग्रेटर का अलग, हेरिटेज का अलग, क्योंकि हेरिटेज में अब रेवेन्यू जनरेशन के लिए सीमित आपको संसाधन मिलेंगे, वहां पर जो जरूरतें हैं उसकी आबो हवा को बचाए रखने के लिए, वहां के उस वहां का जो हेरिटेज लुक है उसको बचाए रखने के लिए आपने वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई रामनिवास बाग में, लेकिन वो पार्किंग लंबे समय तक काम नहीं आई, तो क्या उसका वैकल्पिक इलाज हो सकता था? दूसरा, क्या गणगौरी बाजार के मरीजों के जो तीमारदार मिलने के लिए आते हैं उसके लिए, या चार दीवारी में जो लोग आते हैं उनके लिए, या फिर SMS अस्पताल जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए पार्किंग को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, वहां से वो अपनी जगह तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल? मुझे नहीं लगता आपको कि इसमें अलग अलग इसका अगर आप विजन डॉक्यूमेंट जारी करते तो ज्यादा लोगों तक ये कन्वीनियंट होता और आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से रख पाते। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट तो ये सभी निगमों के लिए एक एक इसमें कुछ कॉमन चीजें और कुछ चीजें हमने अलग अलग जो निगम है इनके लिए भी हमने इसमें वादे किए। जैसे हमने परकोटे के लिए हमने वादा किया, इसमें हमने विजन डॉक्यूमेंट में लिख के दिया है कि परकोटे में जो बरामदे हैं
इन बरामदों का जो है, और ताल कटोरा है, प्रमुख मंदिर है जो शहर के हमारे, जो हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर शहर में, इन सबका हम जो है सौंदर्यीकरण करेंगे, ये हमने वादा किया है। इसके अलावा हमने जो ये कहना चाहिए कि जो बिजली के तार की समस्या है, इसको भूमिगत करने का भी हमने इसमें विजन डॉक्यूमेंट में बिंदु शामिल किया है। तो ये पूरी तरह से जो है दोनों ही नगर निगमों के जो भी कार्य प्रणाली रहेगी इसको समावेश करते हुए उसके भी बिंदु हैं, और इस ग्रेटर के भी हैं, हेरिटेज के भी हैं, बिंदुओं को हमने शामिल किया है। हमने आगे कहा है कि सड़कों के निर्माण के साथ ही रखरखाव के साथ भी ग्रीन जोन और ग्रीन बेल्ट भी बनाई जाएगी, ये ग्रेटर के लिए। हेरिटेज के लिए हमने कहा कि जो बरामदे हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, क्योंकि ये टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव शहर है, और वहां पे आते हैं वो पुरातन शहर देखना चाहते हैं। इसके अलावा हम ताल कटोरा है जो प्रमुख मंदिर है, जो अट्रैक्शन है जयपुर में, जो अपने ये कहना चाहिए पुरातन तो है ही, साथ में अपनी एक कलात्मक और जो इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसके लिए फेमस है, उनका भी पुनरुद्धार करेंगे, उनका रखरखाव करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, और जो एक कहना चाहिए कि शहर में बिजली के तारों के कारण जो समस्या है उसका, शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए बिजली के तारों को भी हम भूमिगत करेंगे। ये हमने विजन डॉक्यूमेंट में लिया है, ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो हमने दोनों ही निगमों को लेकर के, दोनों ही निगमों में क्या क्या कार्य होने और जनता क्या अपेक्षाएं हैं, इनको समावेश करते हुए हमने ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, और ये डॉक्यूमेंट जी श्याम जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सम्मिलित रूप से इन वादों की बात करूंगा। ताल कटोरा को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने समय समय पर बात की है, ताल कटोरा की क्या स्थिति है, जलकुंभी ने अभी आज फिलहाल उसकी क्या शक्ल कर दी और कितनी बार उसकी सौंदर्यीकरण को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने निगम अपने अपने बोर्ड में बात की थी, आपके सामने है। यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन चलाने को लेकर, बैटरी चलित वाहन चलाने को लेकर, ताकि इसका पुरातत्व महत्व बना रहे, इसकी जो एक जो छवि है, जो इसका एक स्पेशल कलर है पिंक सिटी, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है, वो बना रहे, और वहां पर क्या बेतरतीबी से जो बैटरी वाले वाहन हैं वो रोड को जाम किए हुए रहते हैं, इसको लेकर किसी ने कोई अपनी बात सामने नहीं रखी, सारी चीजें आपके सामने है। ऐसे के दोनों को मौका मिला अपना यहाँ पर विकास करने का, अब दोनों ही ये कह रहे हैं कि वापस इनका पुनरुद्धार किया जाएगा, विजन डॉक्यूमेंट में सारी चीजें वही शामिल की गई, आपको लगता है कि अब जनता इन वादों पर, कांग्रेस या बीजेपी पर, इन संकल्प पत्रों पर, या ऐसे और आने वाले वक्त में जब संकल्प पत्र जारी होंगे तो उन पर कोई भरोसा करेगी, जब सारे के सारे मुद्दे यूं की हुई मुंह बाए खड़े रहेंगे? देखिए प्रभात जी, सबसे बड़ी चीज है कि आर्थिक तंगी की स्थिति नगर निगमों के सामने खड़ी हुई है। अब आप पैसा कहां से आएगा ये बता दें, सरकार पैसा कहां से देगी इनको? निगम के पास तो एक ही रास्ता है, जमीन बेच देकर, जमीन बेचकर जो उसके पास है संपत्ति उसको बेचकर, यही तरीका है जी। जमीन आपके हेरिटेज वाले के पास तो जमीन भी नहीं रही, अब आप जमीन कौन बेचता है? संपत्ति वही बेचता है जो कंगाल होता है। ऐसी स्थिति में आप संपत्ति को बेच करके अगर कोई विकास करेंगे या लोन लेंगे, पहले भी लोन लिया गया था, लोन लेने के बाद आप क्वालिटी का वर्क नहीं कराते, घटिया काम कराते हो। अब रिंग रोड बना, अशोक जी को पता है कि बारिश ने उसका पोल खोल दी, किस तरह से स्थिति बनी, आज भी हम उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे ढंग से, रिंग रोड का उपयोग नहीं पाया कि कई जगह से तो उड़ी चला ही गया वो, तो इस तरह से क्वालिटी का वर्क नहीं हुआ। इसलिए हम क्वालिटी का वर्क करें, अच्छा काम कैसे हो, सड़कें बनती थी कैसे बनती है, आप देखिए अभी भी सड़क बन रही है, आप उस सड़क पे सड़क चढ़ाए जा रहे हो, आखिर सड़क कैसी बननी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, नहीं करते हो। आपने हर वार्ड को बांट देते हो, 20 लाख के काम कराएंगे, 40 लाख के काम कराएंगे, वो पार्षद 40 लाख के काम में हिस्सेदारी वही रखता है, किस तरह की स्थितियां बनती है, ये सारी आपको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। केवल जयपुर की बात हो रही है जबकि है कोटा और जोधपुर भी, आप विजन को केवल जयपुर तक सीमित रखना चाहते हैं, आगे ले जाना ही नहीं चाहते। अगर जोधपुर में हाई कोर्ट नहीं हो तो स्थिति सुधरे ही नहीं, वो तो रोज आना आप पोल खोलता है और कहता है कि इतने दिन में ये हो जाना चाहिए। तो आप देखेगा कि एक आपका औद्योगिक शहर है कोटा और वहां पर आपका एजुकेशन हब है, वहां पर उसको किस प्रकार से आप व्यवस्थित रूप से करेंगे। एक एक बहुत बड़ी चुनौती अब आ गई है सामने कि कोविड है और कोविड के तहत आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो व्यापार कोटा के पास था वो छिन गया, अभी तक वापिस से बाहर आएगी नहीं आएगी, एक चुनौती का विषय कोटा के सामने बना हुआ है।
जोधपुर में सीपेज की समस्या, सेम की समस्या विकराल रूप खड़ी हुई लेकर के खड़ी हुई है, वो अभी तक कैसे बने, कैसे उसका निपटारा होगा, क्या निस्तारण किया जाएगा, आज तक बहुत बड़ी समस्या जोधपुर के सामने भी है। और जोधपुर के सामने एक ये भी कि स्मार्ट, अब देखिए स्मार्ट सिटी जयपुर को बना दिया, इतना महंगा है वो काम, अब देखिएगा उसकी आप कंपनी बनाते हो, आप नगर निगम से उसका कोई ज्यादा लेन देन नहीं होता, अशोक जी आपको जानकारी हो तो, वो तो एक अलग कंपनी बनती है और कंपनी के आधार पर इंटरनेशनल किस प्रकार के उसके फिक्स है, सलाहकार भी क्या होंगे, किस तरह के होंगे। जयपुर में कितनी बार वॉल सिटी के अंदर रोड बने, या आपने देखा होगा कि इंदिरा बाजार और बापू बाजार वगैरह को किस प्रकार से कहा था, नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था पहले, फिर व्हीकल जोन घोषित कर दिया, तो काम समय पर कैसे हो, उसका आर्थिक किस अर्थ किस प्रकार, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब चीजें अगर देखिए रामनिवास बाग को अगर हाईकोर्ट नहीं करता ये सब चीजें, तो आज रामनिवास बाग की जो स्थिति है पहले जैसी तो नहीं, पहले तो उन्होंने बाजार खोल दिया था, अब आप देखिएगा कि वसुंधरा जी ने मसाला मार्केट खोल ही दिया है वहां पर है, और रोकने के बाद भी खोल दिया, अब ये सब चीजें हो रही है। आप आखिर किस तरह की स्थिति चाहते हो, शहर में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से सुधरे, सबसे बड़ी समस्या का विषय यही होता है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको कैसे व्यवस्थित करोगे। और आपने देखा कि शहर में आपने बैटरी वाले रिक्शे इतने चला दिए कि आपको आप जा नहीं पाते हो, आपका रोड जाम होने लग गया, पहले वाली स्थिति में किस प्रकार से उसको सुधार करेंगे। मेट्रो उसका विकल्प के रूप में आई है और मेट्रो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर मेट्रो का रूप और परिवर्तित करके सेकंड फेज में किस प्रकार से जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जयपुर के अलावा कोटा और जोधपुर को भी मेट्रो देंगे क्या, अब वो किस प्रकार से आएगा क्या है, पैसे की बहुत बड़ी समस्या, और तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, पैसा है नहीं, हम नगर निगम के चुनाव भी करा रहे हैं और दो दो नगर निगम भी बना रहे, खर्चे भी बढ़ जाएंगे, पार्षद थे पहले इकराण में, अब 250 पार्षद हो गए, 80-80, 160 हो गए, तो ये सारी चीजें आपने की किसके लिए है, किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि यूनिसेफ ने आपको हेरिटेज का दर्जा दे रखा है, अब हेरिटेज का दर्जा कायम रहेगा नहीं रहेगा, नहीं तो वापस छीन लिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि केवल नगर निगम अपने भरोसे विकास नहीं कर पाएंगे। अभी जो सारी बातें कही गई है कि राज्य सरकार नीतिगत निर्णय करेगी तो फायदा मिल पाएगा, शहरों की ओर शासन चला जाएगा, लेकिन जब तक आप नीतिगत निर्णय नहीं करोगे, सरकार के अंदर कैबिनेट का निर्णय नहीं होगा, उसका तो वन विभाग भूमि में आप नहीं कर सकते हो, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वन विभाग की भूमि देने का बहुत बड़े नियम कड़े बनाए हुए, क्योंकि कोई भी कब्जा करेगा फिर तो रोजाना करेगा, ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड लाइन के लिए तो मैं वसुंधरा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनका विजन था, उन्होंने जयपुर के जिस तरह के मैं देखता था कि आप चाहते थे जो अब देखिए वॉल सिटी के अंदर जिस प्रकार के वायर थे सब के, उनका विजन के एक ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने वो विजन दिया, और आप बिल्कुल अब वहां देखते हैं तार नहीं दिखते हैं, कुछ विजन अच्छे भी दिए आपने, देखा कि आपने आपने सेंट्रल पार्क दिया, अब आप सिटी पार्क मानसरोवर में देने जा रहे हैं, उस निर्णय सरकारें अच्छा करती है, उसकी जानी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी का वर्क कैसे हो, इसलिए क्वालिटी का वर्क नहीं होता उसका परिणाम इस शहर को भी भुगतना पड़ता है, ठेकेदार तो दे देंगे, अधिकारियों को भी दे देंगे, और जिस जो भी होता है हिस्सेदार होता है वो बांट करके आपके पास 50% अगर आप रुपया लगाओगे तो क्या होगा उसका, वो तो वही होगा कि एक बारिश में दूसरी बारिश में उग जाएगा, हर बारिश में पेच बड़े पैमाने पर होते थे पहले, इस बार भी हो सकता है कि कम हुआ हो, लेकिन पैसा जिस तरह से बहा गया, जितने करोड़ों रुपए का पेचवर्क के नाम पर जो होता था, पेचवर्क होता नहीं था और वर्क इस प्रकार के में हो जाता था, ये बहुत गंभीर समस्या है। और अब ये कह रहे थे बार बार, मैं भी कह रहा था कि अब जो आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, 16 महीने तो वसुंधरा जी ने लेट कर दी योजना, क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं था, आपने 2 साल आगे की MOU कर लिया, तो वसुंधरा जी ने खुद ने मोदी जी की योजना लागू नहीं करने दी, अब ये बहुत सारे। अब और एक और देखिए, मैं देख रहा था कि अंबेडकर भवन आपने निर्णय तो कर लिया, प्रशासनिक व्यवस्था करके कह दिया सब जगह बनेंगे, पैसा नहीं दिया, बिना पैसे के कैसे बनेंगे अंबेडकर भवन,
आप पैसे की व्यवस्था करते कि पैसा अलॉट कर दिया और बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, बिना प्रशासनिक आदेश से काम चलने वाला नहीं होता, उसका वित्तीय आपका वो भी करना कैसे होगा, ये बहुत जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से खर्च किया जाएगा, अगर वो भी विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो तो जनता इस बात पर ज्यादा भरोसा कर पाएगी कि जो वादे उनसे किए गए हैं वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। और इन वादों के साथ ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त की चुनौतियां क्या है। अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाके वो अपने काम करवाएगी। और अगर कांग्रेस की बोर्ड बनती है तो कांग्रेस अपनी ही सरकार और जो कड़ी से कड़ी जोड़ने को लेकर जो वादा करती है, जो वोट मांगती है, उसमें अपने पुराने वादों को लेकर क्या स्पष्टीकरण जनता के सामने देगी और नए वादों को किस तरह से पूरा करवा पाएगी। जब बोर्ड पूरा होगा तो कितने वादे पूरे होंगे, ये चुनौती उसके सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।